दुर्ग के डीएवी मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल वार्षिक उत्सव में परिवर्तन 2024 के बैनर तले हुए भव्य आयोजन, जिसमें स्कूली छात्र छात्राओं ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां देकर अभिभावकों को अपनी ओर आकर्षित किया। दुर्ग के आर्यनगर स्थित डीएवी मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल में रंगारंग वार्षिक उत्सव मनाया गया। इस अवसर पर संग्रोह में परिवर्तन 2024 के बैनर तले स्कूली छात्र छात्राओं ने नृत्य का उत्कृष्ट प्रदर्शन देकर कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया। वहीं इस अवसर पर मुख्य अतिथि आर्य शिक्षक समिति दुर्ग भिलाई के अध्यक्ष विपिन बंसल, संतोष शर्मा, विपिन श्रीवास्तव, सुनील खरे उपस्थित थे। वार्षिकोत्सव का कार्यक्रम का शुभारंभ गायत्री मंत्र के उच्चारण के साथ दीप प्रज्वलित कर नृत्य के द्वारा सरस्वती वंदना की प्रस्तुति देकर की गई। इस अवसर पर विपिन बंसल ने अपने उद्बोधन में विद्यार्थियों व अभिभावक गणों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रत्येक विद्यार्थियों में प्रतिभाएं होती हैं। ऐसे आयोजनों में अवसर मिलने से प्रतिभा निखरती है और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कार के माध्यम से संस्था के द्वारा प्रोत्साहित किया गया। जोरदार तालियां उनके साथियों के लिए। हमारी पार्टिसिपेंट भी है, एकेडमी के साथ साथ कल्चरल में भी नंबर वन टॉप 10। गौरतलब है कि परिवर्तन 2024 के बैनर तले हुए इस आयोजन में हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित भी किया गया। साथ ही केजी के नन्हे बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुतियों में बचपन के सुनहरे पलों को समूह नृत्य के माध्यम से अपना संदेश दिया गया। वहीं हाई स्कूल व हायर सेकेंडरी के विद्यार्थियों के द्वारा अतिमाधुनिक वेस्टर्न धुन पर गोवा की पारंपरिक लोक नृत्य की प्रस्तुति के माध्यम से उस अंचल से जोड़ने का प्रयास किया गया। इस अवसर पर शाला के प्राचार्य रम्मी सिंह ने वार्षिक प्रतिवेदन पढ़ा, साथ ही कार्यक्रम में उपस्थित अतिथिगण व अभिभावकों को धन्यवाद ज्ञापित किया। इस अवसर पर स्कूल के पदाधिकारियों ने अपनी जानकारी दी। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी हमारे स्कूल डीएवी मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल और डीएवी मॉडल कॉलेज के संयुक्त तत्वाधान में आज परिवर्तन एनुअल डे सेलिब्रेट किया जा रहा है। इस प्रोग्राम के लिए हमारे सभी स्टूडेंट बहुत ही उत्साह और लगन के साथ कार्य करते आ रहे हैं और साथ में हमारी फैकल्टी भी इसमें बहुत सहयोग करती है और बड़े उत्साह और लगन के साथ में कार्य करती है। यह प्रोग्राम हमारे क्षेत्र में बहुत लोकप्रिय है और दिन ब दिन लोकप्रिय होते जा रहा है। हमारा स्कूल पिछले 1982 से संचालित है और हमारा डीएवी मॉडल स्कूल कॉलेज जो 2011-12 से संचालित है, उसका संचालन आर्य शिक्षा समिति दुर्ग भिलाई द्वारा किया जाता है। यह संस्था हमारे पूज्य बाबूजी द्वारा स्थापित की गई थी जो 20 वर्षों से पुरानी रजिस्टर्ड बॉडी है और यहाँ का जो परीक्षा का क्षेत्र है या पढ़ाई का क्षेत्र है उसमें वैदिक संस्कारों को भी समावेश किया जाता है। स्कूल और कॉलेज दोनों में योगा हवन जैसे वैदिक कार्यक्रम कराए जाते हैं, साथ ही आधुनिक शिक्षा का भी इसमें समागम रहता है। यहाँ के स्टूडेंट बहुत ही मेधावी है
और यहाँ के रिजल्ट 100% आते हैं और कई बच्चे बीच बीच में कभी निशुल्क में भी आते रहे हैं। क्या हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे कम्युनिटी यहाँ के लिए बहुत मेहनत करती है और अच्छे रिजल्ट प्राप्त करने के लिए सहयोग प्रदान करती है। आज का प्रोग्राम जो है वो बहुत ही अच्छा है और आज 2024 में हमारे राम जन्मभूमि की भी स्थापना हुई थी तो उस हिसाब से बच्चे लोगों ने बहुत अच्छा कार्यक्रम दिया जो मुझे बहुत अच्छा लगा। और बच्चे आज के हिसाब से जो जैसे परिवर्तन नाम दिए हैं बच्चों का जो भी कार्यक्रम हो रहा है उनका, तो उन परिवर्तनों में ऐसा लगा कि जैसे परिवर्तन होता है वर्तमान परिस्थिति में वो बदलते हुए नजर आया, ये मैंने अनुभव किया है। और हमारे स्कूल के साथ साथ कॉलेज भी चलती है डीएवी मॉडल कॉलेज के नाम से, जिसमें बच्चे 100 का सीट होता है, हर साल पूरे 100 एडमिशन होते हैं और 100 में से 100 रिजल्ट हर साल 100% रहता है, जिसमें 80 से ऊपर बच्चे 80% से भी ऊपर रहते हैं, जिनका रिजल्ट जो है वो 90% तक अचीव करते हैं बच्चे लोग। और तरह तरह के एक्टिविटी भी होती है और हमारे कॉलेज में इस साल 2023 अक्टूबर में NAC का भी कार्यक्रम किया गया था, उसमें भी हमको बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है, जिससे बच्चों को और फैकल्टी को बहुत अच्छा बेनिफिट मिला इससे NAC की टीम आने से, जिससे बच्चे लोग और अच्छे से प्रोग्रेस कर रहे हैं। और सारे स्टाफ परिवर्तन 24 जैसा कि नाम से विदित है, परिवर्तन हमारे एनुअल फंक्शन का नाम क्यों दिया है, वैसे तो विगत कई वर्षों से हमारे विद्यालय में ये सक्सेसफुली कंडक्ट हो रहा है। परिवर्तन के थ्रू हम बच्चों को ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराते हैं जिससे बच्चों का स्पेस फियर भी कम होता है और वो अपने आप को शोकेस कर सकते हैं। इस क्षेत्र में वो बहुत अच्छा अपना कर रहे हैं, प्रोग्राम के थ्रू उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी स्ट्रॉन्ग होता है और उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, हर चीज में बहुत अच्छा कर रहे हैं, इसके लिए हमारे टीचर्स का काफी योगदान कर रहे हैं। एसीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।